देखो जी, आप इलेक्शन चल रहा है, आज जो है सुखपाल खैरा जी ने कल जो है बयान एक दिया कि यूपी बिहार के लोगों को यहाँ पर ज़मीनें नहीं लेने दिया जाएगा, यूपी बिहार के लोगों को यहाँ बसने नहीं दिया जाएगा, भैया भगाओं के यहाँ पर मुहिम चल रही है। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के समय भी, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनके तमाम नुमाइंदे ऐसी बयानबाजियाँ आते थे कि भैया भगाओ पंजाब बचाओ। अरे भैया भगाओ, भैया ने मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा करके यहाँ पर अपना अगर 150 गज का मकान बना रहे हैं, आपको कहते हो कि उस मकान को तोड़वा देंगे, उनके मकान को खरीद लेंगे, यहाँ पर बसने नहीं देंगे, इस तरह के बयानबाजी आज जो सुखपाल खैरा ने दिया। इसके पहले 2022 के विधानसभा इलेक्शन में जो पंजाब का मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी थे, उस तरह की बयानबाजी दिए थे कि जो है कि यहाँ से भैया भगाओ, भैया को भगाओ, यहाँ से पंजाब से बाहर निकालो, कि जो कि अपनी राजनीति, घटिया राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी देते हैं। मैं चरणजीत सिंह चन्नी हो, चाहे राजा बडिंग हो, चाहे जो है यहाँ पर मौजूदा जो है सुखपाल खैरा हो, कोई भी है, मैं सभी को जो है चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप गुरु नगरी जा कर के देख करके आओ कि वहाँ गुरु नगरी में और यूपी के हर स्टेट में, हर ज़िले में आप देखोगे हमारे पंजाबी भाई किस तरह से अपने कारोबार कर रहे हैं, किस तरह से रहते हैं। वहाँ यूपी बिहार के लोग उनको जी कह करके जो हम सरदार जी आइए बैठिए, नाश्ता कीजिए, पानी पीजिए, इस तरह की शब्दावली बरतते हैं। आज जो एक मुहिम छिड़ी हुई है कि भैया भगाओ पंजाब बचाओ, अरे भैयों ने तो मेहनत मजदूरी करके यहाँ पर जो है अपना घर बसाया है। आज पंजाब की हालात दयनीय हो चुकी है कि यहाँ की फैक्ट्रियों में ताले लग रहे हैं, मजदूर नहीं है यहाँ पर, आज मजदूर वर्ग यहाँ पर मिल नहीं रहे हैं, और जो है जो लोग जो है 150 गज के यहाँ पर मकान बना करके रह रहे हैं, मजबूरन वो यहाँ पर रह रहे हैं, नहीं तो वो भी वहाँ पर यूपी बिहार में आज इतना रोजगार है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर इतना रोजगार है कि हमें पंजाब आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज हम लोग अगर पंजाब में रह रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने 150 गज के मकान बना करके रह रहे हैं, मेहनत मजदूरी किए, आज तुम्हारी ज़मीनों को ये 10-10 करोड़ रुपये जो है ज़मीनों के भाव हो गए, ये पूर्वांचल समाज की देन है कि जो फैक्ट्रियों में यहाँ आकर के कारोबार किए और फैक्ट्रियाँ यहाँ की बड़ी फली फूली, और यहाँ पर ये मैनचेस्टर कहने जाने लगा कि लुधियाना एक मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर के रूप में जब लुधियाना को देखे जाने लगा तो यहाँ पर विशाल यहाँ पर लेबर आने लगी, और जिस स्टेट में लेबर नहीं होती वो लेबर स्टेट आज भी ख़त्म है, कल भी ख़त्म है, वो स्टेट कभी तरक्की नहीं कर सकता है। सुखबीर बादल मानसिक तौर पर दिवालिया है, और मानसिक तौर पर दिवालिया हो करके जिसने अपने बाप को कह दे कि ये मेरा बाप लगता हो है, ये मेरे बाप जैसा है, तो सुखबीर बादल खा करके हिल गया, और सुखबीर बादल ने भी कभी बायकॉट करना है कि जो ऐसी शब्दावली बरता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अकाली दल हो, जिसने भी इस तरह के बयान हमारे पूर्वांचल समाज को लेकर किया उसका बहिष्कार होना चाहिए, और पूर्वांचल समाज उसका बहिष्कार करे, और उन ऐसे लोगों का हमेशा बहिष्कार करके उनका वोट जो है ना दे। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ, बिल्कुल जी, हर तरह से विरोध करेंगे, अगर यहाँ पर किसी तरह का भी आयोजन राजा बडिंग का होगा, अभी कहीं पर यहाँ पर चल रहा है, हम उसका भी विरोध करने जा रहे हैं, आप सभी साथियों मिल करके चलेंगे राजा बडिंग के यहाँ, अगर जहाँ प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर हम काले झंडे और मुर्दाबाद का नारे लगाएंगे और वहाँ से भगाएंगे। ये मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज इस पंजाब के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है। एक सांसद का पद, एक सांसद उम्मीदवार जब ऐसी टिप्पणी करता है कि किसी विशेष लोगों के लिए कि यूपी बिहार के लोगों को यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीदने देंगे, तो उन्होंने मेहनत कस पैसे दे करके ज़मीन खरीदा है, ना कि यहाँ कोई हड़प या कोई कब्जा किया हुआ है। और रही बात यहाँ से जाने की, तो बहुत सारी बड़ी दुनिया है, कहीं भी जाकर के हम काम कर लेंगे, लेकिन आपका जो ये वक्तव्य है ये आपको किस जगह ले जाएगा, क्योंकि यही लोग
आपको सांसद बना करके मंत्री बनाते हैं और यही मिनटों मिनट आपको धूल में मिला देते हैं। तो आपको अपनी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि लोगों के प्रति आज जो भी है, चाहे यूपी बिहार का हो, कहीं उत्तरांचल का हो, कहीं का भी हो, उन्होंने आकर के यहाँ पर इस समृद्धि में, पंजाब की समृद्धि में अपना पूरा योगदान दिया है, तब आज ये पंजाब खुशहाल है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई तकलीफ है तो खुल करके बहस करो, हमारे लोग तैयार हैं, आपकी हर बात का जवाब देंगे कि आप आओ तो मैदान में। आप वहाँ किनारे घर में बैठ करके आपने वक्तव्य लिखा दिया कि यूपी बिहार के लोगों को यहाँ रहने नहीं देंगे, आपको किसने अधिकार दिया है कि आप किसी को नहीं रहने दोगे? हमारे यहाँ यूपी बिहार में आप चले जाओ, बहुत सारे पंजाबी लोगों ने पता नहीं कितने कितने किले जमीन खरीद रखे हैं। आज देखो तो अकाली दल के कितने भी सीनियर नेता हैं, उनकी किलों के हिसाब से वहाँ पर ज़मीनें हैं, क्या उनका हमने हड़प किया वहाँ पर कुछ? इसलिए मैं उनको सिर्फ संदेशा इतना देना चाहता हूँ कि जिस शांतिपूर्वक से हम लोग रह रहे हैं ऐसे ही रहने दे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और रही बात विरोध की, तो आज वोट की राजनीति करने के लिए इतनी घटिया टिप्पणी करेंगे, ये किसी को शोभित नहीं है और इसका दुष्परिणाम उनको 1 तारीख को ही देखने को मिल जाएगा। इसलिए जो है ना, इतना कहते हुए आपकी सारे जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये बातें हमारी आगे तक पहुँचाने का आप जो काम करते हैं उसके लिए सारे मीडिया कर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, बहुत माड़ी गल है। देखो किस तरह समाज नू तोड़न दा एक जतन किया जा रहा सुखपाल सिंह खहरा वालों, तो राजा वड़िंग वालों, कांग्रेस पार्टी वालों, राहुल गांधी के दिशा निर्देशों के इस तरीके नाल समाज नू अलग अलग धर्मों के आधार पर वंडिया जा रहा, किसी नू प्रवासी कह के वंडिया जा रहा, किसी नू कुछ, ये है कुछ नहीं, ये सिर्फ पंजाब का जिहड़ा पेंडू वोटर है उन्हू लुभावन दे लई है। देखो इन्नी भद्दी टिप्पणी करते हैं कि इहदे नाल पूरे तरीके ना समाज दो धिरां च वंडिया जाऊगा। ये समाज लई एक तरह के आत्मघाती बंदे ने जी, कांग्रेस का पूर्ण तौर पर इत्थे विरोध है जी, बहिष्कार करते हैं असी, ना कांग्रेस पार्टी नू कोई सपोर्ट करेगा, ना राजा वड़िंग नू, ना सुखपाल सिंह खहरा नू। राजा वड़िंग दी पूरी शह ते उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है, राजा वड़िंग नू हुण तां शर्म करनी चाहिए है भी 24 घंटे भी बीतन तो बाद ना माफ़ी मंगना, तो बहुत दूर की गल, उन्होंने कोई टिप्पणी करनी भी जरूरी नहीं समझी।